बच्चा आपका है या नहीं है? सर ये तो ये बच्चा ही नहीं का है। मैंने कब से कह रही हूं, जब मैंने 2 साल से शादी हो गए या आप इनके बोलने को देख लीजिए। कहते यार रास्ते में मिलती है मुझे, कहती मैं तो आजाद हो गई, अब जा आजाद। सब झूठ बोल रहा है, मेरे सब कह के गए, मतलब मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, मेरी जिंदगी, मेरे बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो गई। तो मैं कहूंगी मैं आजाद हूं, मर्दी से सब दिए मैंने, नहीं दी तुमने, तुमने मुझे मजबूर करा, मेरे बच्चे की, मेरे रात की नींद नहीं आ रही है बच्चे की वजह से। बच्चे को मैं छोड़ना होता ना, बच्चे को बताओ, कोई भी औरत होगी अपने आदमी को दूसरे के साथ बर्दाश्त नहीं करेगी। गंदी गाली, मैं ऊपर लेटी हुई थी, अपने बच्चे को लेकर आइए नीचे लेटे हुए। बच्चा किसका है ये बताओ, बच्चा किसका है? वो बच्चा, ये बच्चा जो है ये है इनका, लेकिन वो दूसरा बच्चा जो इनकी बीमारी से है वो भी इनका है। ये बच्चा किसका है, नाम बताओ, नाम बताओ किसका है, नाम बताओ किसका है। मैंने सफा सफा तुम्हारी बीमारी का नाम लिया, ये सब झूठ बोल रहे हैं। इंसान अपने आप को बचाने के लिए कुछ तो कहेगा, ये सब झूठ बोल रहे हैं। सर हमारी बात तो कुछ चलेगी नहीं, झूठ समझेंगे ये सब। आप ये मोहल्ले में पता करिए जाके, सब झूठ है, सब झूठ बोल रहे हैं। मैं रैली में गई थी, यकीन ना आए तो मेरी बहन और रैली में इन्हें उनसे आप पूछ ले, वकील भी मेरे साथ में थी, वो उन्होंने उनसे पूछ ले आप जाके। ये रैली में गई होंगे, लेकिन ये पूरी प्लानिंग में रैली में गई, पूरी प्लानिंग करके उस दिन में थी, ये मुझे छोड़ेगा मैं जाऊंगी। कोई प्लानिंग नहीं थी, मैंने अपने कहाँ है, साथ में आई थी, ये वही मेहमान आपका नाम मायरा। मायरा क्या मामला है आखिर, आपको क्यों आपके पति ने तलाक दिया है, क्या है पूरा मामला? मैं रैली में गई थी, नरेंद्र मोदी जी की जो रैली निकली थी तलाक के मुद्दे पे, तो मैं उसमें गई थी। जब मैं वहाँ से वापस आई, इससे पहले भी बताना जो कितनी जानना चाहेंगे आप लोगों ने जो धन्यवाद रैली निकाली थी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देने के लिए, क्या कहना चाहेंगे उसके बाद एक तलाक का मामला सामने है? ये अभी ये फायरा जो लड़की है, इससे पहले कभी मेरी इससे मुलाकात नहीं हुई, और ये किसी के थ्रू रैली में आई, क्योंकि इसका पहले से डिस्ट्रीब्यूट चल रहा था। इस लड़की ने मुझे बताया कि पहले भी थाने से इसका कंप्रोमाइज़ हो चुका है, लड़ाई के दौरान इसकी पहले भी लड़ाई चली है, इसका हस्बैंड बात बात पे इसको तलाक की धमकी देता रहता था, तो ये किसी के थ्रू रैली में आई। अच्छा हमसे परिचित थी नहीं तो हम मिल भी नहीं पाए, फिर जब रैली में से ये गई उसके बाद, उस दिन हमें नहीं, लेकिन जब ये न्यूज़ वगैरह चली है कहीं, तो हमारी नॉलेज में ये मामला आया कि इसको रैली में आने की वजह से 3 तलाक दिया गया है। लिहाजा हमने इसके शौहर को भी बुलवाया, इससे भी पूरी बात मालूम की, और हम इस 3 तलाक को हम तो नहीं मानेंगे, क्योंकि 3 बार एक साथ 3 तलाक दी गई है, और ये ना तो शरीयत के बतौर मानी जाती है और ना ही अब कानून के हिसाब से मानी जाएगी। तो हम इस लड़की का पूरा साथ देंगे, उस लड़के को सज़ा दिलवाएंगे अगर ये मामला सच्चाई है, क्योंकि अभी हमारी लड़के से जो बात हुई है तो लड़के का कहना कुछ और है। अभी हम इस मुद्दे को सही से समझ लें, जान लें, तो ज़रूर हम इस लड़की का पूरा साथ देने को तैयार हैं, और इसका मामला शासन तक लेके जाएंगे और इसको इंसाफ दिलवाएंगे। कौन सी रैली थी, किस बात की रैली निकाली थी आपने, इसके बारे में थोड़ा बताओ। ये ट्रिपल तलाक पे जो काफ़ी सालों से लड़ाई चल रही थी, और इसमें जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक कानून लागू किया है केंद्रीय सरकार ने, तो उसमें हमने
माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का आभार व्यक्त करने के लिए सारी महिलाओं ने एक रैली निकाली थी। फायरा बताइए क्या मामला है? जी मेरी तो पहले से खैर लड़ाई चलती थी, मेरे हस्बैंड जो थे वो उनका मुमानी से चक्कर था, तो उनसे एक बेटा भी था, उनसे एक बेटा भी था, तो वो ये कहते थे कि मैं तुझे तलाक दे दूंगा। तो फिर मैंने अपने घर पे बताया, अपनी बहन को बताया, तो वो अमरीन मेरी बहन मुझे लेकर गई, रैली निकली थी नरेंद्र मोदी जी की, तो वो वहाँ पर लेकर गई। जब उन्होंने मुझे बताया, तो जब मैं वहाँ से वापस आई तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तू कहाँ गई थी, तो मैंने कहा कि मैं वहाँ गई थी रैली में, तो ये कहने लगे, तो उन्होंने कहा वो मेरा क्या कर लेगा, मुझसे पहले पैसे मांगे। जब मैंने पैसे को मना करा तो फिर उन्होंने पूछा कि तू कहाँ गई थी, तो मैंने कहा मैं रैली में गई थी, तो उन्होंने कहा वो मेरा क्या कर लेगा, और जब मैंने तुझे तलाक दी मुझे मार पीट के मेरे हस्बैंड दानिश कौन क्या कर लेगा, नरेंद्र मोदी जी क्या कर लेंगे, और तो फिर तलाक दे दी। क्या कहा उन्होंने? तीन बार तलाक दे दी जी। फिर आपको क्या मारपीट के घर से निकाल दिया? हाँ, मारपीट के मेरे बच्चे के साथ मुझे घर से निकाल दिया। फिर किस टाइम की घटना, रात में निकाला थे आपको? दिन में 12:30 बजे जी मैं थाने गई, तो चीता वाले आए, तो उन्होंने मुझे मेरा सामान दिलवा दिया, और बाकी कोई सुनवाई नहीं की। कोई सुनवाई नहीं, ठीक है। तो अब आप आई हैं फरहत जी के पास आई हैं इंसाफ के लिए जी। अब मैं ये चाहती हूँ, मेरा एक रैली की वजह से मेरा पूरा घर बिगड़ा, तो अब मुझे इंसाफ चाहिए मोदी जी से। क्या चाहती कि पति को सजा होनी चाहिए? जी हाँ, मैं चाहती हूँ उन्हें सजा हो। उसका पहले से किसी और से? जी, उनका पहले से अपनी मुमानी से संबंध थे, नाजायज संबंध, और उनसे एक बेटा भी था, वो मुझे बाद में पता चला, और फिर मुझसे पैसे लड़कों से मंगवाते थे अपने दोस्तों से, जब मैं मना करती तो मुझसे उन्हीं से ऐब लगा दिया करते थे। अच्छा, आपने तो लव मैरिज की थी सर? जी हाँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरे हस्बैंड किसी और से फंसे हुए हैं, वो मुझे बाद में पता चला। क्या करते हैं हस्बैंड आपके? काम नहीं करते हैं। बच्चा कितना बड़ा आपका? 1 साल का बेटा है मेरा जी। दानिश बताइए क्या मामला है आपकी पत्नी की, आपने तलाक दी है? तलाक दी सर दी है, लेकिन तलाक यूँ दी है, इनका दूसरे से अफेयर था, ये बात नहीं आ रही थी, इस चक्कर में तलाक दी है। और इनका चचा जो है वो सट्टा काम है, वो धमकी देते हैं आके कि मैं 2 लाख थाने में देता हूँ, ये देता हूँ, मैं सबको अड़वा दूंगा, पुलिस मेरी जेब में रहती, मीडिया मेरी जेब में रहती, आप नहीं माने तो पता कर लेंगे, धमकी देते हैं। और एक इनकी बहन है, उनको उन्होंने ये करा संभल में, बिट्टो नाम है उनका। कब दिया आपने इनको तलाक? ये जुमरात वाले दिन मैंने तलाक 3 बार में सर ऐसे नहीं गया, मैंने 3 बार इन्हें मौके दिए, वैसे कर गया मैंने, एक दफ़ा गलती करी तो गया, दूसरा दिन उनके मैं, तीसरा के आपकी बात नहीं आई तो मैं छोड़ दूंगा, ये बात नहीं आ रही थी। और इनकी ये बात इनको बाको भी मैंने बताई थी, तो ये मेरे हाथ पर जोड़ लेती, मेरी लड़कियों का सवाल है इज्जत का, तुम ये बात यहीं दफन कर दो, मत कहो किसी से। तलाक जिस दिन दिया है आपने उस दिन ये कहाँ गई? उस दिन ये सर ये नबदिया गई भी थी, घर आई से जब ये झूठ बोलने रेल में कहीं नहीं गई भी थी, और ज़बरदस्ती लड़ाई निकाली। इनका भी आरोप है, जैसे आपने आरोप लगाया कि इनका भी आरोप है कि आप कहीं पे अफेयर था और एक बेटा भी है, ये सब गलत आरोप है इनका, सब इन्हें पहले से पता था, इन्हें मैं बदनाम हूँ, इन्हें सब कुछ मैंने जब निकाह करा था तो सब कुछ इन्हें बता दिया था। तो आपकी लव मैरिज जी, मैंने सब कुछ इन्हें बता दिया था कि मैं ऐसा हूँ, मैं काम थोड़ा करता हूँ नहीं करता हूँ, आप ये बोलिए ठीक है मैं हर हाल में रह लूँगी, और इन्हें किसी चीज़ की परेशानी नहीं होती थी, ये मेरे घर वालों कहने से कपड़े नहीं पहनती थी, जींस की पैंट छोटे छोटे कपड़े जो मेरे इतना था उस हिसाब से ही कपड़े पहनती थी। आप क्या आप अपनी पत्नी को रखना चाहेंगे अपने साथ? जी नहीं, मैं नहीं रखना चाहता इन्हें, कौन ऐसा रख लेगा, बच्चे पे है तरस, लेकिन ये फिर हरकतों से नहीं बात आएंगी, क्या ये फिर वही हरकतें करेंगी, ये बताइए कब तक काम होगा? ये मोदी की रैली में गई थी जो 3 तलाक को लेकर जो रैली निकली, ये रैली से आप मुझे कोई नहीं है, मैं खुद मोदी जी के साथ हूँ, मैं खुद उन्हें वोट डालता हूँ, ये सब इनका आरोप गलत है, ये सब गलत है इनका, मैं मोदी जी का खुद वोट डालता हूँ मैं। ठीक है, आप बात करिए। सर एक मामला और, अभी 2 दिन पहले 3 तलाक पीड़ित महिलाओं ने एक रैली निकाली थी, उसमें ये बताया गया कि पति ने उसको लेकर महिला को तलाक दे दिया, शिकायत की गई है, क्या कार्रवाई की जा रही है? नहीं, ऐसा मामला मेरे संज्ञान में अभी नहीं आया, शिकायत आएगी तो कार्रवाई होगी।